नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलो जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। भारत में कोविड 19 ने एक बार फिर से तोड़े सारे रिकॉर्ड। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,064 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 22 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 22,15,075 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में जान गंवाने वाले व्यक्तियों में भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 1,007 मरीजों ने बीते 24 घंटे में दुनिया को अलविदा कह दिया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा मामला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देश में भी कोविड 19 के 6,34,945 मामले एक्टिव चल रहे हैं। वहीं अब तक 44,386 मरीजों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही 15,35,744 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं भारत में जान गंवाने वालों की दर 2% बताई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह लगातार 11वां दिन है जहां संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए आज से और इंटर के लिए कल से मिलने लगेंगे फॉर्म। मैट्रिक परीक्षा साल 2021 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू करवा दी गई है। वहीं इंटर के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया कल यानी कि 11 अगस्त से शुरू करवाई जाएगी। बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने का शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है, जिसके तहत विद्यार्थियों से मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboard.online पर जाकर 17 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को विद्यालय प्रधान डाउनलोड कर अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे और 18 तक सभी विद्यार्थी अपना भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को विद्यालय में जमा करते हुए 18 से 27 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे और शुल्क जमा करेंगे। इंटर परीक्षार्थियों के लिए 19 से 28 अगस्त तक का समय उपलब्ध करवाया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी परीक्षा फॉर्म का शुल्क ₹830 रखा गया। वहीं SC ST OBC और आरक्षित कोटि के लिए ₹730 रखे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने शिवसेना को शायराना अंदाज में दिया जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई सरकार और बिहार सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ गई है, क्योंकि मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के साथ हुए बर्ताव के बाद लगातार वहां की सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा किए गए टिप्पणी पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अब जवाब दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे कितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन और अनर्गल बयानबाजी की गई है, लेकिन जिसका जवाब देना उचित मैं नहीं समझता हूं। हर किसी को हिफाजत उसकी मालिक बखूबी करता है, हवा भी चलती रहती है और दिया भी नहीं बुझता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय जरूर मिलना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे के इस ट्वीट पर हजारों कमेंट किए जा रहे हैं। उनके ट्वीट का समर्थन लगातार यूजर कर रहे हैं। राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किए गए रोहतास के स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी। रोहतास जिले के ख्याति प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी को राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित किया गया है। जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए शुभकामना संदेश को जगदीश तिवारी को सौंप दिया है। उन्हें फूल गुलदस्ता और अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति शुभकामना संदेश लेकर पहुंचे सदर SGO राजकुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी को सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिए गए निर्देश के आलोक में जगदीश तिवारी को सम्मानित किया गया है। वहीं कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए हर साल राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में आयोजित होने वाले एट होम कार्यक्रम को भी इस बार स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में देश के सभी राज्यों से स्वतंत्रता सेनानियों की सूची मांगी गई थी, जो प्रत्येक राज्य में सिर्फ 5 स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करने जाना था, जिसके बाद सारण के स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी का नाम उसमें शामिल था। बिहार में कोविड 19 मरीजों और उनके अटेंडेंट को लगाया जाएगा हैंड बैंड। बिहार में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड 19 मरीज और उनके अटेंडेंट को पहचानने के लिए उनके हाथ पर अलग अलग रंग का हैंड बैंड लगाया जाएगा। दोनों के हैंड बैंड के रंग अलग अलग होंगे, ताकि कोविड 19 संक्रमित और अस्पताल में मौजूद रहने वाले उनके अटेंडेंट के बीच अंतर पता चल सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि अस्पतालों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों की माने तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड 19 संक्रमित और उनके परिजनों को अस्पताल में रहते हुए हैंड बैंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस अस्पताल में अन्य बीमारियों का इलाज करवाने पहुंचे मरीजों के बीच में अंतर भी किया जा सकेगा। पटना समेत पूरे बिहार में आज से 4 दिनों तक बारिश की जताई गई संभावना। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, कुछ जगह पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर सभी जिलों में सतर्कता जारी कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के कई इलाकों में रविवार को ठीक ठाक बारिश देखने को मिली, तो वहीं समस्तीपुर सारण के कुछ इलाकों में और पूर्वी चंपारण और मध्यपूर्व में भी
अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने बताया कि ट्रफ लाइन पंजाब के फिरोजपुर, दिल्ली के ऊपर से होते हुए बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के ऊपर से गुजर रहा है। इस लाइन की वजह से ही सोमवार से बिहार के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार विधानसभा की कई सीटों पर कांग्रेस की है पैनी नजर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। सभी दल सीट बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी इस समय चुनावी तैयारियों में व्यस्त चल रही और सीट बंटवारे का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। उसके दो दिन बाद बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी पटना पहुंचकर बैठक का हिस्सा बने थे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन भी किया गया था। साथ ही सभी उम्मीदवारों से साफ तौर पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन भी चीजों पर साल 2015 में सीट मिली थी और जीत मिली थी उन सीटों पर दावेदारी पेश करने का फैसला लिया गया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर कांग्रेस को 41 सीट मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस का ध्यान इस चुनाव में भी उन्हीं सीटों पर है। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार के अन्य जिले में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। 16 अगस्त तक पूरे बिहार में लगाए गए लॉकडाउन के बीच कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए एक अन्य जिले को लॉक कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला में एक बार फिर से संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। बंद के दौरान छूट मिलने के कारण लोग बेपरवाह होकर घूम रहे थे और बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इतना ही नहीं, कोविड-19 के बढ़ते माहौल को देखते हुए लोगों की लापरवाही को देखते हुए जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला सुनाया गया। आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर परिचालन हुआ शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजधानी में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद इस पर परिचालन शुरू करवा दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने फ्लाईओवर को आर ब्लॉक दीघा फोर लेन पथ से जोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा चुरैया टार पुल और दक्षिणी हिस्से से एक छोर एक्स्ट्रा डोज्ड केबल फ्लाईओवर के जरिए मीठापुर, करबगिया और कंकड़बाग फ्लाईओवर को जोड़ दिया जाएगा, जिसका काम एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी निर्माणाधीन पुलों पदों का काम तेजी से पूरा करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर के आधिकारिक निर्माण से पटना के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, साथ ही राज्य में अन्य हिस्सों में आने वाले लोगों को भी जाम से राहत मिलेगी। आर ब्लॉक फ्लाईओवर के शुरू होने से लोगों को विधानसभा और हार्डिंग रोड के रास्ते वीर चंद पटेल पथ और इनकम टैक्स से होते हुए डाक बंगला जाने में जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडिया टुडे ग्रुप के राष्ट्रीय सर्वे में रविशंकर प्रसाद को टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग केंद्रीय मंत्री की सूची में मिली जगह। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से राष्ट्रीय सर्वे करवाए जाने में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्री की सूची में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को डिजिटल इंडिया, 3 तलाक, टेलीकॉम और फिर आईटी क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी निवेश से लेकर रविशंकर प्रसाद के आईटी विभाग द्वारा हाल ही में बड़ी संख्या में चाइनीज ऐप को बंद करने के निर्णय को लेकर यह सम्मान दिया गया है। सर्वे में रविशंकर के टॉप 5 में होने के कई और कारण भी बताए गए हैं। रविशंकर प्रसाद के प्रयासों से ही देश में मोबाइल निर्माण वाली कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर लगभग 250 तक हो गई है। इसमें व्यापक पूंजी निवेश के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ टॉप 10 में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रामविलास पासवान और एस जयशंकर का नाम भी शामिल है। पटना में जयप्रभा सेंटर में खोला जाएगा प्लाज्मा बैंक। राजधानी पटना में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों को देखते हुए साथ ही प्लाज्मा थेरेपी को एक कारगर इलाज के रूप में उभरता देखकर प्लाज्मा बैंक खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत पटना में जयप्रभा सेंटर में प्लाज्मा बैंक खोलने की तैयारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार IGIMS और पारस HMRI अस्पताल में डोनेशन और प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा बहाल करने के लिए जयप्रभा मॉडल सेंटर में प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा। मशीन इंस्टॉल करने का काम आज से शुरू हो चुका है। इसके बाद उच्च स्तरीय विभाग से अनुमति मिलते ही यहां स्वस्थ हो चुके पटना के मरीजों से प्लाज्मा कलेक्शन किया जाएगा। यहां के जरूरतमंद कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा दिया जाएगा, चाहे उसका इलाज कहीं भी हो रहा हो। यहां से हर एक मरीज के पास प्लाज्मा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद 12 अगस्त को पहला डोनेशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। IPRD सचिव ने बिहार में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। IPRD सचिव अनुपम कुमार ने बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड-19 पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत IPRD सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि टेस्ट की संख्या बढ़ने से राज्य में इन दिनों कोविड-19 के ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 75,628 सैंपल की जाँच की जा चुकी है। इससे 8 अगस्त को कोविड-19 के 3,934 नए मामलों की पुष्टि की गई है। IPRD सचिव ने कहा है कि पॉजिटिव व्यक्तियों की 14 दिन पूरे होने पर रिकवरी रेट के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। फिलहाल राज्य का रिकवरी दर 64.3% के साथ बिहार में 27,975 एक्टिव मामले हैं। वहीं अब तक 10,21,906 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसकी जानकारी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य में 16 जिले फिलहाल बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 74,19,000 से ज्यादा लोग फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। 24 घंटे के दौरान 9 और बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला है। बिहार के 16 जिले में 74 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से है प्रभावित। बिहार के 16 जिले में 74 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है।
आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, सहरसा जिले में भी बुरी तरीके से लोगों को अपनी चपेट में बाढ़ ले चुकी है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन जिलों में 125 प्रखंड की 1232 पंचायतों में 74 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों को भोजन कराने के लिए 1267 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। दरभंगा जिले में सबसे ज्यादा 15 प्रखंड के 220 पंचायतों में 20 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को लगातार लगाया गया है। वहीं अब तक बाढ़ की वजह से कुल मिलाकर 23 लोगों की जान जा चुकी है। संजय राउत के बयान पर सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और भाजपा सांसद नीरज कुमार बबलू ने भी महाराष्ट्र पुलिस और वहां की सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस और सरकार सुशांत के मामले को उलझाना चाहती है, लेकिन अब सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। संजय राउत ने बयान दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसी बात को उन्होंने भ्रामक बताया है। विधायक ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस दोनों मिलकर उलझाने के लिए कोई भी उलझुल बयानबाजी कर रही है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग के फैसले की भी सराहना की है। इसके साथ ही पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस और सरकार का असहयोग रवैया देखने को मिला है। बिहार पुलिस के साथ जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया वो शर्मनाक हरकत है। किसी भी राज्य के पुलिस के साथ दूसरे राज्य के पुलिस को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को हर हाल में इंसाफ जरूर मिलेगा। टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता गगन खोड़ा ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता गगन खोड़ा का मानना है कि विराट कोहली की तरह एमएस धोनी भी काफी ज्यादा आक्रामक कप्तान थे, जिसके तहत उन्होंने कहा कि धोनी की कप्तानी की खूबी विराट धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। लोग कहते हैं कि विराट कोहली बेहद आक्रामक है, लेकिन धोनी नहीं है, क्योंकि आक्रमण जुबानी तौर पर नहीं करते हैं। एमएस धोनी आक्रमण और सुरक्षित है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि आपको बतौर कप्तान सुरक्षित होना चाहिए। विराट भी काफी ज्यादा आक्रामक है और सुरक्षित कैसे बनना है ये सीख रहे हैं। वो बेहद तेजी से सीख रहे हैं कि दोनों के बीच अंतर है, और धोनी जुबानी तौर पर अपनी आक्रामकता जाहिर नहीं करते थे, लेकिन विराट ने हमेशा आगे आकर के आक्रामकता जुबानी तौर पर दिखाई है। एक वक्त जैसे अपना रवैया अपनाकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन पूरे समय अपना वही रवैया टीम के साथ आप नहीं दिखा सकते हैं। आपका आक्रमण होने से साथ सुरक्षित होना अनिवार्य है, और धोनी में यह दोनों खूबियां बखूबी है। विराट भी अब इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सबसे यादगार पारी कौन सी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।